सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज बात करेंगे इन तमाम जो ट्रांसफार्मर्स हैं तो इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनको टेस्ट कैसे किया जाता है और पीसीबी के अंदर ये इनका क्या काम है। और दोस्तों जो ट्रांसफार्मर हैं इनमें इनकी दो किस्में होती हैं, एक है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। उसके बाद जो हम फाइनली बात करेंगे वो बात करेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर। और दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे इसके सिंबल के बारे में, मतलब ये कि अगर हम बेसिक सीख जाएं तो उसके बाद हमारे लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगी कि ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और इसके बाद उसको पहचानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसके बेसिक्स को सीखेंगे। तो देखें यहाँ पे दो वाइंडिंग्स मैंने बनाई हैं तो इसका और इसके अंदर दो लाइनें डाली हैं। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है दोनों की तकरीबन निशान या मार्क या सिंबल एक जैसा होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब यहाँ पे फ़र्क क्या होता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है स्टेप अप करना, ऊपर की तरफ जाना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेजेस से ज़्यादा वोल्टेजेस हासिल किए जाते हैं। तो इसमें होता ऐसा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमेशा छोटी वाइंडिंग कम टर्न्स वाली वाइंडिंग होगी। तो उस पर हम इनपुट देते हैं, यानी कि इनपुट जो है वो हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग पे यानी कि छोटी वाइंडिंग पे आएगा। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और जो बड़ी वाइंडिंग जो जिसमें टर्न्स ज़्यादा होंगे वो हमेशा आउटपुट वाइंडिंग होगी और उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये तो हो गया इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे देखें ये दो लाइनें भी लगी हुई हैं। ये दो लाइनें किस वजह से हैं, इनको बोला जाता है जी मैग्नेटिक कोर। अब इसको मैग्नेटिक कोर क्यों बोला जाता है, तो देखें जी मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है। तो देखें यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ये आयरन लगा हुआ है, तो ये आयरन जो है इसको कोर बोला जाता है। और जब ये यहाँ पर लगा होता है तो इलेक्ट्रिक हम वन साइड पे या प्राइमरी वाइंडिंग पे देते हैं तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। उसकी वजह से इस वाइंडिंग का प्रेशर इस वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये जो कोर है मैग्नेटिक कोर ये हेल्प कर रही होती है फ्लक्स को जनरेट करने में और इसका प्रेशर प्राइमरी वाइंडिंग का प्रेशर सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करने के लिए। तो इसके लिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक कोर। और अब दोस्तों बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप डाउन मतलब कि जैसे कि नाम से जाहिर है कि नीचे की तरफ आना, मतलब कि ज़्यादा वोल्टेजेस से कम वोल्टेजेस हासिल करना। तो अब यहाँ पर सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो होगी जो बड़ी वाली वाइंडिंग होगी ये इनपुट वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर इनपुट देंगे हम और इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। तो अब जिस वाइंडिंग से हमने आउटपुट हासिल करना है उसको हम कहते हैं जी उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ऐसा भी है कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग पे एसी वोल्टेजेस देते हैं, हमने एसी वोल्टेजेस यहाँ पे इनपुट पे दिए तो हमें कभी भी जो है वो डीसी वोल्टेजेस जो है वो आउटपुट पे नहीं मिलेंगे, बल्कि एसी वोल्टेजेस की जगह ही एसी वोल्टेजेस हम वसूल करेंगे आउटपुट वाइंडिंग पे यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये मुमकिन नहीं है। अगर हमें चाहिए हैं वोल्टेजेस डीसी तो फिर रेक्टिफिकेशन की जाती है, उसका अलग से एक तरीकेकार होता है। तो दोस्तों आप जितने भी हमारे पास डीसी इन्वर्टर और एसी या फिर जो नॉन डीसी इन्वर्टर्स हैं उनमें जितने भी पीसीबीज आते हैं इंडोर में, तो उनमें ज़्यादातर देखें ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। देखें यहाँ से सिंगल सप्लाई इसको दी जा रही है, लेकिन जबकि इसमें से डबल वोल्टेजेस हासिल किए जा रहे हैं।
तो इस तरह से भी ये होता है। इसके अलावा देखें पीसीबी में ऐसे भी ट्रांसफार्मर आते हैं जो इंडोर में होते हैं, जो कि पीसीबी के ऊपर या सर्किट के ऊपर लगे होते हैं, अटैच होते हैं, तो इनको भी आसानी से टेस्ट किया जा सकता है और चेक किया जा सकता है। तो अब दोस्तों देखें, ये जो सिंगल सप्लाई है और सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट हासिल करना है तो उसका सिंबल तो यही रहेगा, लेकिन जो मल्टी जो सिस्टम है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये देखें ये ट्रांसफार्मर है, तो सिंगल सप्लाई दी जाएगी इसको देखें, और जबकि ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप मैं नज़दीक करके दिखाऊँ आपको तो देखें यहाँ पर हमें 9 वोल्ट और 12 वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे, तो यानी कि एक पे 9 वोल्ट है और एक पे 12 वोल्ट है आउटपुट पे। तो इस तरह से अगर ये होगा तो ये सिंबल किस तरह हो जाएगा, इसमें दो तरीकेकार हो सकते हैं। देखें यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो ये दोनों अलग अलग सप्लाईज हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो इस तरह से इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी आएगी कि एक होगी अंदर और एक उसके ऊपर फिर से दोबारा वाइंडिंग हो जाएगी, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं, लेकिन एक पे 12 वोल्ट वसूल हो जाएंगे और एक पे जो है वो 9 वोल्ट वसूल हो जाएंगे। इसके अलावा एक और सिंपल इसमें आ सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसमें फिर जो होगा वो तारें जो हैं वो 3 होंगी। तो इस तरह से देखें, एक पे हमें 9 वोल्ट मिल जाएंगे, इस पे हमें 9 वोल्ट मिल जाएंगे, जबकि इस पे और इस पे, ये दोनों पे 9 वोल्ट आ जाएंगे, जबकि ये और ये यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल जाएंगे। तो ये सिंबल इस तरह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस हम हासिल कर रहे हैं तो देखें, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, ये है हमारे पास, इसमें देखें मल्टी है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है वोल्टेजेस, तो ट्रांसफार्मर A1 इनपुट हो गया, देखें 1 इनपुट है इसमें, देखें यहाँ पे 1 इनपुट है और इसका जो आउटपुट है वो 3 है, देखें 1, 2 और 3, तो ये 3 टाइम, तो इसका मतलब है 3 है अलग अलग है, तो इसके लिए देखें फिर से वो इस तरीके का होगा, अलग अलग है, तो इस तरह से 3 वाइंडिंग इसमें आ जाएंगी। और दोस्तों अब जितनी भी हम बात करेंगे वो सिर्फ और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो आमतौर पे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है उनमें बहुत ज़्यादा आता है, और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो बहुत ज़्यादा बड़े यूनिट्स और ग्रिड स्टेशन वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने इसको आँखों से कैसे पहचाना है दूर से ही, तो देखें हमेशा ऐसा होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें हमेशा मोटी वायर यूज़ की जाती है और उसका कनेक्टर भी मोटा होता है, जबकि जो सेकेंडरी जो क्वाइल होती है या वाइंडिंग होती है उसमें हमेशा जो तार होती है वो पतली यूज़ की जाती है, उसका कनेक्टर भी हमेशा छोटा रखा जाता है। तो ये सबसे पहले तो आँखों से पहचान है, फिर इसके अलावा आपने कैसे पहचाना है आँखों से कि ये ट्रांसफार्मर ठीक है कि ख़राब है, तो आपने इसको फिजिकली चेक करना है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कोई जगह उभरी तो नहीं हुई है, ख़राब तो नहीं है, तो उससे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है या ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो इसके अंदर वाइंडिंग्स होती हैं, तो वाइंडिंग्स होने की वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होती है, तो रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस के जरिए से हम पता कर सकते हैं कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। तो देखें अभी ये अपनी वैल्यू शो कर रहा है, तो 258 ओम्स इसमें वैल्यू शो हो रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, लेकिन पहले इसको हम चेक कर लेंगे कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या शो कर रही हैं वैल्यूज़, तो उसके बाद हम फिर इसको कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। वैसे तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो देखें जब हम इसकी वैल्यूज़ चेक करेंगे तो ये बहुत कम आएंगी, तो जब हम इसको चेक करेंगे तो देखें ये फर्स्ट वाली जो ब्लैक वायर है ये वहाँ पे आ रही है जी 1.6 ओम्स, और इसके बाद हम जब सेकंड को ब्लू को चेक करते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, ये देखें जी 2.3 ओम्स, तो इस तरह से ये फ्लक्चुएट कर रही है, तो इस तरह से ये बहुत कम वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी वैल्यू हो गई, सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो हो गई दोनों, और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। इसके अलावा इसका बॉडी टेस्ट ज़रूर करें इसके साथ शॉर्ट सर्किट, अक्सर जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाता है,
तो उसकी जो मैग्नेटिक कोर है या जो आयरन कोर है इसके साथ वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसके साथ अगर आप ओम्स और किलो ओम्स पे या कंटिन्यूटी पे रख के तो इसको चेक कर लेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू शो कर दे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कोर के साथ शॉर्ट हो चुका है, इसको चेंज कर दे डायरेक्टली। तो दोस्तों अब बताएंगे आपको वो ट्रिक कि जिसकी वजह से अक्सर हमें या तो ट्रांसफार्मर मुकम्मल चेंज करना पड़ता है और अक्सर हमें सेम मॉडल सेम उसके जो मिली एम्पेयर्स रैंक होती है वो हमें नहीं मिल पाता है तो हमें मजबूरन फिर उसकी जगह दूसरा लगाना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि ये देखें ये जो 220 और 230 की सप्लाई है यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें एक चीज़ इंस्टॉल की जाती है जो कि मेरे बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा, तो अगर किसी को पता है तो फिर भी देख लें और अगर नहीं पता तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम की चीज़ है। तो जी दोस्तों देखें मेरे पास ये एक ट्रांसफार्मर खुला पड़ा हुआ है और एक तो मैंने आपको जो टेस्ट करवाया देखें यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इन सब ट्रांसफार्मर जो कि जितने भी इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर नॉन डीसी इन्वर्टर जो इनडोर मॉडल्स हैं आते हैं उनमें देखें इसके अंदर एक हिडन ये एक फ्यूज़ लगाया जाता है जी। देखें ये फ्यूज़ है, इसके अलावा देखें ये जो बेस पे आता है बेस पे लगा होता है जो कि मैंने आपको पीसीबी दिखाया था कि उसके ऊपर जो है डिप के तौर पे डिप होज में लगा होता है तो उस पर भी देखें मैंने ये एक ये देखें जी। तो मैं अगर आप नज़दीक करके दिखाऊँगा तो देखें ये इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, जब ये फ्यूज़ जल जाए तो भी ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, तो जब ट्रांसफार्मर ही काम नहीं करेगा तो यूनिट भी काम नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर ये फ्यूज़ आपने यहाँ से निकाल लिया और सिर्फ अगर सिर्फ फ्यूज़ जला हुआ है तो बस इसको चेंज कर दें या फिर डायरेक्ट वायर लगा दें तो भी ये आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर से और आपका जो यूनिट है दोबारा काम करना शुरू कर देगा। तो अक्सर इनमें 2.2 एम्पीयर्स या 2.5 एम्पीयर्स के इसमें जो फ्यूजेस हैं वो लगे होते हैं।